सरहदी जिला कुपवाड़ा के दर्दपुरा लोलाब जो कि जिला हेडक्वार्टर से 25 किलोमीटर दूर है, जो कि वादी लोलाब के नाम से मशहूर है, मगर ये लोग आज इस 21वीं सदी में भी तमाम सहूलियत से महरूम हैं। मुकामी लोगों ने आज एक एहतजाज किया और सरकार पर इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने बताया। देखिए बिल्किस के साथ कुपवाड़ा से भट्ट मुजफ्फर की रिपोर्ट। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है परवेज विशु, मैं लोलाब दर्दपुरा का हूँ। जी क्या कहना चाहते हो आप? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने बहुत सारे धरने दिए, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, मगर आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला है। किस बारे में? रोडों के बारे में अगर बात करें कि बस स्टैंड टू मीरमाला, मीरमाला से हाई स्कूल का एक रोड है वो बहुत ख़राब है, जिसको आज से 70 साल लोगों ने ज़मीन दी है, आज तक उस पर काम शुरू नहीं किया गया। अगर हम बाकी मालों की बात करेंगे, मीरमाला, हाजीमाला, गनेपुरा, मानपुरा, शेखमाला, मकाम थोड़ोसा की बात करेंगे तो यहाँ पे मुश्किलात। अगर हम हॉस्टल की बात करेंगे तो 70 साल पहले यहाँ एक सब सेंटर था, वो आज भी सब सेंटर है, मकामी लोग हॉस्टल की मांग करें। अगर प्ले ग्राउंड की बात करेंगे तो वो बात की बात है, वो दूर की बात है, हमें आज तक इंसाफ नहीं मिला है। ये गाँव फॉरवर्ड एरिया है डॉक्यूमेंट के लिहाज से, अगर इसकी कंडीशन देखेंगे ये बैकवर्ड से भी बेहतर है। हमने कई बार धरने दिए, काफ़ी डीसी साहब आया था यहाँ पे, डीसी साहब ने खुद ग्राउंड सिचुएशन देखी, तो डीसी साहब ने कहा इंशाल्लाह मैं ये बात आरणवीर तक और अपनी महकमे तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैं इस वक्त खुशी है कि 70 सालों में हमारे गांव में कोई डीसी नहीं आया है, इसलिए हमें आज पहली बार हमारे गाँव में डीसी साहब आया है। हमें इस वक्त खुशी है कि ये पहला डीसी साहब है जो हमारे गाँव में आया, इमामदीन साहब, हम उसका बहुत शुक्रगुजार है। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही कहना चाहते हैं कि हम डिजिटल ज़माने में हम जानवरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें कब इंसाफ मिलेगा, हम इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। जी आपका नाम? जी आपका नाम क्या है? जनाब मेरा नाम गुलाम अहमद भट्ट है। जी क्या प्रॉब्लम है? लोलाब दर्दपुरा में अस गो वाले काल प्रोटेस्ट करना इनकी सड़क में मौजूद है। अस छ सदा शुक्र गुजार मीडियो कि मुझसे सोन कत वो डी सी सबस तान सह आव ओत यो तमो दी अस वाद कि अस करो दिन रोड ठीक, मगर वन हा गई नी हफ्ते गो लग भग कम गई नी कहीं जाए न गई कह मोमेंट वो अस सदा शुक्र गुजार मीडियो तमो सो कत वो ब्रो अस बस स्टैंड पे हाई स्कूल तान रोड ग मीरमाला टू बस स्टैंड बिल्कुल वहान जिले इंतजाम सरकार क्या वन ये सी सड़क अगर बाकी जान रोड ठीक गाँव अस गुना गर्मी ये क्या रोड ठीक गाँव कम खदा गर्मी अस ये रोजन वे कहीं बाकी जान अगर सड़क ठीक गई गली कोचन अगर तील त्रे क्या त्रावान अस तील अगर डिमांड कि तुम तील इन गली कोचन यह सड़क वो ऐट फुट सड़क अस मेन रोड जो किलोमीटर अच्छी कह मरम्मत दिवा कर अच्छे कम से कम 10 वरी लड़ा अमी बात अच्छे दोह प्रोटेस्ट कर चौकी प्रोटेस्ट करने बात अच्छे दोह मीडिया खसने बात प्रोटेस्ट कर सोन से कहीं बोलना एक कन बोलान बे कन त्रा सोन अपील ये कि रोड करू ठीक पकुन चुन वन कि मद मे शीन तुला इन सड़कन कहीं पे सोचा 10 दिन 20 दिन अस फोन करो पे सोचा 20 दिन अच्छे बिलडोजर इस तुम सड़क तबाही कर तवे कर गुजारिश बे एक लटि क्या करू तो मरम्मत इन रोडन जी क्या नाम है आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सरदार गना है। क्या कहना चाहते हो? बस यही कहना चाहते हो कि रोड हमारी ठीक नहीं है, हमारे जहाँ भी जाते हैं गली कोचे हैं सब खराब है। जब बारिश पड़ता है हम स्कूल की तरफ बच्चे हमारे जाते हैं, उनकी वर्दी यूनिफॉर्म पूरी ख़राब हो जाती है। अब क्या करिए, हम बार बार मीडिया में ये धरना हमने कई बार दिया है लेकिन कोई मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। पिछले दफ़ा यहाँ डी सी साहब भी आया, उसने बोला हम करेंगे करेंगे लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, यहाँ कोई अफसर नहीं आया, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल बेकार है यहाँ के सब। कुपवाड़ा से कितना दूर है ये? 25 किलोमीटर दूर है कुपवाड़ा से, लेकिन जो हमारे मेन रोड है जिसको लोग हाईवे कहते हैं ये 8 फुट है,
लोगों ने आज से पहले 20 साल जमीन डाली, अभी तक ये ठीक नहीं हुआ।